गुना शिवपुरी संसदीय सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने एक लंबा रोड शो किया जिसमें सैकड़ों वाहनों के साथ कार्यकर्ता उनके साथ चले और फूल मालाओं से जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। नामांकन के दौरान उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी मौजूद रहीं। इसके बाद सभा में भी प्रियदर्शनी राजे खूबसूरत अंदाज में अपने पति के लिए प्यार का इजहार करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। क्षेत्र में अपने समर्थकों के बीच महारानी कहलाने वाली प्रियदर्शनी राजे का यह अंदाज लोगों को जमकर भाया और सभा में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई। इस दौरान सिंधिया भी शर्माते हुए नजर आए। चुनावी राजनीति में नहाते हुए भी प्रियदर्शनी कदम से कदम मिलाकर सिंधिया के साथ चलती रही हैं। इस बार भी जब सिंधिया उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उन्हें अपने पति के लिए मैदान संभाल लिया है। पिछले 3 महीनों से वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनसंपर्क कर रही हैं। क्षेत्र में सिंधिया घराने का वर्चस्व है, यही कारण है कि इस सीट पर भाजपा को हमेशा जीत का इंतजार है। प्रियदर्शनी राजे की सक्रियता के चलते उनके चुनाव लड़ने का कयास खूब लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। संभावना है कि आने वाले चुनाव में प्रियदर्शनी चुनावी राजनीति में प्रवेश कर सकती हैं। चांदनी से चांद होती है, तारों से नहीं। हम अपने प्रिय सिंधिया जी से प्यार करते हैं, ये टूट-टूट वाली सरकारों से नहीं।